अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबके लिए कुरान पाक का तर्जुमा अमली ज़िंदगी में मददगार साबित हो रहा होगा। व्यूअर्स, हम पांचवें पारा का पांचवा रुकू पढ़ रहे हैं जो कि आज इंशाल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी आखिरी आयत की तरफ और देखते हैं, यानी पाँचवें पारा की आखिरी आयत की तरफ, पाँचवें रुकू की आखिरी आयत की तरफ, और देखते हैं कि अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर्रसूल, और इताअत करो रसूल की, व उलुल अम्र, और हाकिमों की, मिनकुम, तुम में से हो, व इन, फिर अगर, तनाज़ातुम, झगड़ने लगो तुम, फ़ी शैइन, किसी चीज़ में, फरुद्दूहू, तो लौटा दो इसे, इल्लल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ, वर रसूल, और रसूल की तरफ, इन कुन तुम तो मेनू, अगर तुम ईमान रखते हो, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखरी, और रोज़े क़यामत पर, ज़ालिका, यही, खैरुन, बेहतर है, व अहसनु, और बहुत अच्छा है, तावीला, इसका अंजाम। अभी इस आयत में अल्लाह पाक हमारी मज़ीद रहनुमाई फरमा रहा है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, रसूल और हाकिमों की इताअत करो। अब रसूल और हाकिम में क्या फ़र्क है कि रसूल जो है वो मासूम होते हैं, अंबिया मासूम होते हैं, उनसे किसी भी किस्म की कोई गलती सरज़द नहीं हो सकती। तो अल्लाह पाक फरमाता है जैसे ही तुम्हारा रसूल तुम्हें कुछ कहे तुम उसको मानो, जैसे वो तुम्हें कुछ दे तुम उसको ले लो। लेकिन जो हाकिम है, हाकिम के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि उसकी इताअत भी बहुत ज़रूरी है, उसकी इताअत करो, यानी हाकिम में वक्त की इताअत ज़रूरी है। लेकिन अगर दीन के किसी मामला में या तुम किसी मामला में आपस में झगड़ो, तुम्हें इख्तलाफ हो, उसको लौटा दो, यानी किधर लौटा दो, अपने रब की तरफ से की तरफ वापस लौटो और मदद हासिल करो। अगर तो वो हाकिम हक पर है तो उसके साथ हो, और अगर तुम हक पर हो तो तुम मुखालफत कर सकते हो। ये मेरा रब हर हर ज़िंदगी के मसले को बयान करता है और अपने बंदे के लिए आसानी पैदा फरमाता है। अल्लाह सुबहान व ताला ने कोई भी ज़िंदगी का ऐसा मसला नहीं छोड़ा जो कि इस कुरान पाक में बयान ना किया हो, बस हमारे समझने की और हमारे पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें सही मानों में समझ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे पाँचवें पारा का पाँचवा रुकू भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।